सो जो अभी तक मैंने दो मेथड्स बताए हैं वो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अब बैलेंसिंग के लिए श्योर शॉट मेथड बता रहा हूं। श्योर शॉट मेथड मतलब क्या हो गया भाई, इससे बैलेंसिंग कभी गड़बड़ होगी ही नहीं। चलो देखते हैं इस मेथड को। इस मेथड से इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए सबसे पहले तो क्या करना है भाई, इक्वेशन तो लिख लो, NH3 plus O2 gives NO plus H2O। ठीक है, अब इन कंपाउंड्स को, ठीक है, या मॉलिक्यूल्स को सिंपली एक वेरिएबल का नाम दे दो, जैसे A, B, C और D। अगर यहां पर एक और प्रोडक्ट होता तो E और एक प्रोडक्ट होता तो F, ऐसा लग लेते। अब क्या करना है, बस इक्वेशंस बनाना है। नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को जब अपन कंपेयर कर रहे हैं, नाइट्रोजन से अपन को क्या मिल रहा है, A इज इक्वल टू C, कंपेयर कर रहे हैं ना, सिंपली कंपेयर कर रहे हैं, LHS RHS को कंपेयर कर रहे हैं। N यहां पर A है, N यहां पर C है। नेक्स्ट, हाइड्रोजन से अपन को क्या मिल रहा है, हाइड्रोजन से मिल रहा है 3A, 3A इज इक्वल टू, हाइड्रोजन कितना है यहां पे 2D, 2D डाल देंगे यहां पर। अब ऑक्सीजन बचा क्या है, लास्ट ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन यहां से क्या मिलेगा, 2B इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना है C, C प्लस D। जितने इक्वेशन से ये इक्वेशंस फॉर्म हो सकते हैं, इन इक्वेशंस को कंपेयर करके सिंपली कुछ नहीं करना है, LHS वाली चीजों को RHS वाली चीजों के साथ कंपेयर करना है और ऐसे इक्वेशंस बनाने। उसके बाद सिंपली ये देखना है जो सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ है। अब A, A दो बार ऑकर हुआ है, C, C दो बार ऑकर हुआ है, D, D दो बार, B सिर्फ एक बार, तो इनमें से किसी भी वैल्यू को आप क्या ले सकते हैं, वन ले सकते हैं, टू थ्री फोर फाइव सिक्स ऐसा मत ले लेना। जो सबसे ज्यादा बार, जो वेरिएबल सबसे ज्यादा बार ऑकर हुआ है, उस वेरिएबल की वैल्यू अपन को क्या ले लेनी है, वन। लेट A इज इक्वल टू वन, A वन हो गया तो C की वैल्यू भी क्या हो गई, ये इक्वेशन वन, ये इक्वेशन टू, ये इक्वेशन थ्री। A वन है तो C भी ऑल्सो इक्वल टू वन हो गया। B की वैल्यू 3A इज इक्वल टू 2D होता है भाई, कहां से आया, इक्वेशन नंबर टू से, तो A की वैल्यू है वन, यानी 3 इज इक्वल टू 2D और D इज इक्वल टू कितना हो गया 3 बाई टू। बचा क्या है, B, 2B इज इक्वल टू C प्लस D, 2B, B की वैल्यू निकालना है, C की वैल्यू है 1, D की वैल्यू है 3 बाई टू, B 2, तो क्या करेंगे 5 बाई टू 2B, B इज इक्वल टू 5 बाई फोर। अब सिंपली क्या करना है, इन वैल्यूज को A, B, C, D की जगह पुट कर देना है। A की वैल्यू कितनी थी 1, 1 NH3 प्लस B की वैल्यू कितनी है 5 by 4 O2 gives, C की वैल्यू कितनी है 1, 1 NO प्लस D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू आई है आपकी 3 by 2, 3 by 2 क्या H2। अगेन आप जानते हैं कि फ्रैक्शन फॉर्म में हमारा इक्वेशन नहीं रह सकता, अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, डिनोमिनेटर हटाना पड़ेगा। डिनोमिनेटर हटाने के लिए देखो 4 है 2 है, 4 और 2 का एलसीएम हो गया कितना 4, पूरे इक्वेशन को 4 से मल्टीप्लाई कर दो,
4NH3 plus 5O2 gives 4NO plus 4 into 6 kita hoga 6H2O. आप कंपेयर करके देख लीजिए, हर एक चीज आपकी क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी. 4 नाइट्रोजन, 4 नाइट्रोजन, हाइड्रोजन कितना है 12 है, हाइड्रोजन 12 है, ऑक्सीजन कितना है 10 है, ऑक्सीजन 4 और 6 10. तो ये जो मेथड है श्योर शॉट मेथड है और इससे कभी भी बैलेंसिंग आपकी गलत नहीं होगी. अगर ट्रायल एंड हिट मेथड या वेरीफाई वाले मेथड में आप लोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, कहीं पे लग रहा है कि वैल्यू हमारी एक्यूरेट नहीं आ रही है, तो आप श्योर शॉट मेथड को डेफिनेटली यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, MnO2 plus HCl gives MnCl2 plus H2O plus Cl2. इस इक्वेशन को भी अपन बैलेंस करके देखते हैं इसी मेथड से. क्या होता है भाई इक्वेशन, MnO2, चलिए यहीं पे डायरेक्टली पुट कर देते हैं. ए, बस वेरिएबल्स पुट करने हैं अपने को, बी सी डी और ई. अब क्या करना होगा, इक्वेशंस कंपेयर करके इक्वेशंस बनाना है. ए, Mn कितना है यहां पर, Mn से अपन को क्या मिला भाई, ए इज इक्वल टू सी. फिर ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं, टोटल ऑक्सीजन यहां पर दो ही है, ऑक्सीजन 2A इज इक्वल टू, ऑक्सीजन कितना हो गया यहां पर D. नेक्स्ट हाइड्रोजन, Mn ऑक्सीजन, फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना हो गया B इज इक्वल टू, और तो हाइड्रोजन है नहीं, B इज इक्वल टू 2D, और तो हाइड्रोजन नहीं है. लास्ट क्या बच गया, क्लोरीन, क्लोरीन से अपन को क्या मिलेगा, B is equal to 2C, C into Cl2, 2C plus 2E. तो रूट इक्वेशन से सिर्फ वेरिएबल उसमें प्लेस करने के बाद अपन को ये इक्वेशन मिला. इसके बाद क्या स्टेप फॉलो करना है कि जो वेरिएबल सबसे ज्यादा नंबर ऑफ टाइम्स ऑकर हुआ है उस वेरिएबल को अपन क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे. ए देखो 2 बार हुआ है, बी 2 बार हुआ है, डी 2 बार, सी. तो इस वाले केस में अगेन आप किसी भी नंबर को या किसी भी वेरिएबल को, सॉरी, 1 ले सकते हैं, 1 ही लेना है, 2, 3, 4, 5 फ्रैक्शन कुछ मत ले लेना, और सिर्फ 1 लेना. चलो लेट ए इज इक्वल टू क्या कर दिए, 1 कर दिए, तो सी इज ऑल्सो इक्वल टू 1, ए इज इक्वल टू 1 है, 2A इज इक्वल टू डी. देखो डब्बा बनाते जाते हैं, इससे क्या हो जाएगा, अपन को पता चल जाएगी किस किस की वैल्यू आ गई. 2 इज इक्वल टू डी, 2 इंटू 1, ए की वैल्यू 1 है भाई, 2 इंटू 1, डी इज इक्वल टू 2. मूविंग अहेड, B is equal to 2D. D की वैल्यू कितनी आई है, 2. 2 into 2 यानी कि 4. B is equal to 4. लास्ट इक्वेशन B is equal to 2C plus 2E. B की वैल्यू है आपकी कितनी, B की वैल्यू आ गई 4 is equal to 2C. 2C is 2 प्लस 2E. 4 इक्वेशन सॉल्व करते हैं, 4 माइनस 2 2 इज इक्वल टू 2E. ठीक है, तो 2 इज इक्वल टू 2E और E इज इक्वल टू 2/2 यानी कि 1. अब सारे ही वेरिएबल्स की वैल्यू आ गई है, अब क्या करना है, इन इक्वेशंस में पुट कर देना है. A कितना है 1, 1 MnO2
प्लस बी की वैल्यू कितनी है 4, 4HCl गिव्स सी की वैल्यू कितनी है 1, 1MnCl2 प्लस डी की वैल्यू कितनी है 2H2O प्लस ई की वैल्यू कितनी है 1CL2। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, मैग्नीज Mn यहां पर कितना है 1, 1, ऑक्सीजन कितना है 2, यहां पर कितना हो गया 2, हाइड्रोजन कितना है 4, हाइड्रोजन कितना हो गया 4, क्लोरीन कितना है 4, क्लोरीन कितना हो गया 2 और 2, टोटल हो गए 4। तो ये मेथड कहलाता है श्योर शॉट मेथड, और इससे इक्वेशंस जो है वो कभी भी गलत बैलेंस नहीं होंगे। हाँ, कंडीशन ये है आपके ये वाले जो इक्वेशंस फॉर्म किया है आपने इक्वेशंस वेरिएबल के फॉर्म से, वो गलत नहीं होना चाहिए। ये कुछ क्वेश्चंस ही अपन ने किए हैं, आप अपनी एनसीईआरटी बुक को बहुत अच्छे से पढ़िए, उसमें से क्वेश्चंस उठाइए और खुद बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। वीडियो में कई पार्ट पे ऐसा आया होगा कि जहां पे आप स्क्रीनशॉट खींच सकते हैं, स्क्रीनशॉट खींच के वो सारे क्वेश्चंस खुद से एक बार बैलेंस करने की कोशिश कीजिए और उसके बाद कोई रेफरेंस बुक देखिए। इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच गया है पूरे चैप्टर का, दैट इज रैंसिडिटी एंड करोजन। व्हाट इज रैंसिडिटी एंड करोजन, लेट अस चेक। सो लास्ट टॉपिक पर आते हैं अपन, करोजन एंड रैंसिडिटी। कोई भी मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स अपन जब मार्केट से खरीद कर लेके आते हैं, घर में बर्तन जब आप लेके आते हैं, तो वो काफी शाइनी होते हैं और अल्टीमेटली उनके यूसेज के बाद कुछ समय के बाद, ऐसा नहीं एक दो दिन, 6-7 महीने या साल भर के बाद वो क्या हो जाते हैं, थोड़े से डल हो जाते हैं या उसके ऊपर कुछ डल सी कोटिंग जमा हो जाती है या ब्लैकिश पड़ने लग जाते हैं। कई सिल्वर ऑर्नामेंट्स आप पहनते होंगे या घर में मम्मी पहनती होगी, तो आप उसको ध्यान से देखोगे तो उस पे ब्लैकिश लेयर कुछ जमा हो जाती है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, करोजन। व्हाट इज करोजन, द प्रोसेस इन विच सरफेस ऑफ मेटल आर अटैक्ड बाय एटमॉस्फेरिक एजेंट्स लाइक ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, मॉइस्चर, वाटर वेपर एक्सेट्रा इज नोन एज करोजन। अब ये हो क्यों जा रहा है, किसके वजह से, कौन उसके ऊपर अटैक कर रहा है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या एटमॉस्फेरिक वाटर, वाटर वेपर के फॉर्म में जो प्रेजेंट है वो क्या कर रहा है, मेटल के साथ रिएक्ट करके उसकी स्ट्रेंथ और उसकी अपीयरेंस को क्या कर दे रहा है, कम कर दे रहा है। तो करोजन को अपन कम कैसे कर सकते हैं या उससे बचाव कैसे कर सकते हैं, भाई सिंपली पेंटिंग उस ऑब्जेक्ट को, उस मेटल, जैसे घर पे गेट होंगे, लोहे के गेट होंगे, आयरन के गेट्स होंगे, तो उसके ऊपर अपन पेंटिंग कर देते हैं, या कोई भी मूवेबल पार्ट्स है तो उन मूवेबल पार्ट्स पर अपन ऑयलिंग या ग्रीसिंग करते हैं। इसके अलावा अपन कॉइन्स के ऊपर आपने देखा होगा जंग नहीं लगता है, कॉइन कैसे मेटल्स का बना हुआ होता है, अलॉय मेटल का होता है। जो गाड़ी के व्हील्स होते हैं, अलॉय व्हील्स होते हैं, वो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेटल को मेल्ट करके एक साथ मिक्स करने के बाद एक नया मेटल फॉर्म होता है, जिससे क्या होता है उस पर रस्टिंग नहीं होती है या करोजन नहीं होता है। कुछ बेसिक एग्जाम्पल्स देखते हैं अपन, जैसे आयरन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड फॉर्म्स आयरन ऑक्साइड, और ये आयरन ऑक्साइड कैसा होता है भाई, रेडिश इन कलर, विच इज कॉमनली नोन एज रस्टिंग, जंग लगना जिसको अपन बोलते हैं। सिल्वर व्हेन रिएक्ट विद सल्फर इट फॉर्म्स सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर के ऑर्नामेंट्स जो होंगे घर पे देखना उस पर ध्यान से, उसके ऊपर एक ब्लैक कलर की कोटिंग जमा होती जाती है। कॉपर वेसल्स, तांबे पीतल के जो बर्तन होते हैं, कॉपर वेसल्स व्हेन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट,
कॉपर कार्बोनेट, इसका कलर क्या होता है? ब्लूइश ग्रीन। तो ये कुछ एग्जांपल्स है करोजन के लिए, और करोजन को अपन अवॉइड कैसे कर सकते हैं? बाय पेंटिंग, ग्रीसिंग, ऑयलिंग, अलॉयिंग, और दूसरे मेथड्स भी है, जैसे गैल्वनाइजेशन। गैल्वनाइजेशन जो जिस तार पर, लोहे के तार पर आप कपड़े सुखाते हैं, वो सिल्वर टाइप का, जिंक और आयरन, आयरन के ऊपर जिंक की एक कोटिंग चढ़ा दी जाती है, उसको गैल्वनाइजेशन बोलते हैं। तो इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं? करोजन को अवॉइड कर सकते हैं। इसके बाद रैंसिडिटी, बहुत लंबे समय से कुछ जैसे चिप्स या कुछ तेल वाली चीजें, जैसे फैट कंटेंट वाली चीजें हो गई, फल्ली बहुत लंबे समय से रखा हुआ है घर पे। लंबे समय से मतलब ऐसा नहीं 200-300 साल पुराना, ऐसा नहीं भाई, मतलब करीब 6-7 महीने पुराना अगर सामान जो तला हुआ है या जिसमें फैट कंटेंट होते हैं, उन चीजों को जब अपन कंज्यूम करते हैं तो उसकी या तो स्मेल बदल जाती है या उसका टेस्ट जो है वो बदल जाता है, और उसी चीज को अपन क्या बोलते हैं, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रैंसिडिटी। अब ये रैंसिडिटी होता कैसे है भाई? जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो इस फैट को या इस ऑयल को क्या करता है? ऑक्सीडाइज कर देता है, और अल्टीमेटली उसका जो टेस्ट है या स्मेल है वो चेंज हो जाता है। व्हेन फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड मटेरियल्स आर लेफ्ट एक्सपोज फॉर अ लॉन्ग टाइम, दे आर ऑक्सीडाइज बाय द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन क्या करता है? इन फैट मॉलिक्यूल्स या इन ऑयल के ऊपर अटैक करके उसको ऑक्सीडाइज कर देता है, और अल्टीमेटली ये जो खाना है उसका जो टेस्ट है या स्मेल है वो बदल जाता है। इससे बचाव क्या है भाई? एक तो एयर टाइट कंटेनर्स पे इन चीजों को रखो। बहुत सारे घर पे जो खाने वाली चीजें होंगी उसको क्या करते हैं? एयर टाइट कंटेनर्स के ऊपर रखते हैं। और क्या बचाव कर सकते हैं? जल्दी से खा लो, मुझे खिला दो भाई, है? तीसरी चीज क्या कर सकते हैं? पैकिंग सच फूड्स विद एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक नाइट्रोजन गैस। जो चिप्स वेफर्स जो आप खाते हैं, बेसिकली वो जो पैक होता है वो काफी फुला हुआ होता है, उसके अंदर क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होती है। अब ये नाइट्रोजन गैस क्या है? एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्यों बोल रहे हैं भाई? ये ऑक्सीडेशन नहीं होने देता है उन फैट मॉलिक्यूल्स पे। तो ऐसे फूड मटेरियल जिसमें फैट या ऑयल कंटेंट है उसमें अपन क्या कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट गैसेस यूज कर सकते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन। तो ऑन दिस नोट अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके अलावा बैलेंसिंग या कोई भी टॉपिक पे आपको अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइए, और वीडियो पसंद आई है तो डू सब्सक्राइब द चैनल और अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।